शहरी खास जो है हमारा, इससे मेरे बहुत सारे ना, मैं इसके साथ जुड़ा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी पैदाइश जो है वो हब्बा कदल में ही हुई है, तो मैंने इनिशियली इसी हब्बा कदल में ही पढ़ा है, तो इसलिए शहरी खास के साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि मेरी पैदाइश ही है, रेजिडेंस यही है हब्बा कदल से। तो जब हमने ये ब्रांच यहाँ पे लॉन्च की तो इंटेंशंस यही थे कि यहाँ का जो बच्चा है, लोकल जो रेजिडेंट्स यहाँ पे है, चाहे वो शहरी खास के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, आपको मालूम है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्माइल था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, तो ऐसे कोविड भी था फिर, तो उससे बच्चों ने उनकी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई। तो उसी सिलसिले में फिर हमने ये तय किया, जो हमारे स्काई क्लासेस की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें तय किया कि नहीं, हमें अब वक्त आ चुका है कि हम शहरी खास में एक ब्रांच लॉन्च करें, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से पढ़े, और फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे जाके ये भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि यहाँ के जो लोकल्स है, रेजिडेंट्स है, वो इकोनॉमिकली आपको पता है उतने स्ट्रांग नहीं है, साउंड नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंसर्न्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ आई। तो फिर उस सिलसिले में हमने ये भी तय किया कि हम मिनिमम बेसिस पे जो फी है वो हम यहाँ के बच्चों के लिए ले, मगर उसके लिए हमने यही कहा कि जो बच्चा रेजिडेंट है, परमानेंट रेजिडेंट है शहरी खास का, उनके लिए हम एक स्पेशल पैकेज ला रहे हैं, ताकि यहाँ का जो बच्चा है वो भी पढ़े, आगे बढ़े, ताकि उनके जो माँ बाप के सपने वो पूरे हो जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि घर घर जो बच्चा है पढ़े, फिर किस्मत में है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस करे, केएस करे, मगर एटलीस्ट जो बच्चा यहाँ पर है वो आगे बढ़े, इज्जत के साथ अपना रिज़्क कमाए। देखिए, इस साल तो हमने खाली शहरी खास में ये लॉन्च किया, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने उनकी मंजूरी होगी खुदा ताला की, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट पॉकेट्स में जाए, स्पेशली उन पॉकेट्स में जहाँ पे अभी एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से अपलिफ्ट नहीं हुई है, वहाँ का जो बच्चा है, वहाँ का जो पोर लोग है वो अभी बिलो पावर की लाइन चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि बच्चों का अपलिफ्टमेंट हो जाए, एजुकेशन अपलिफ्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी मैसेज यही है कि मैं पिछले 23 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो यही मैसेज है कि मैंने भी गुरबत में पढ़ा, गरीबी में पढ़ा, तो मैं चाहता हूँ कि पर्सनली मैं चाहता हूँ कि मेरा ख्वाब है कि घर घर जो एजुकेशन है वो जाए, क्योंकि एक कौम जो है उसकी जो असली बुनियाद होती है, उसका जो असली, अगर एक कौम को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इस पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हैं, स्पेशली मैं शहरी खास की बात करता हूँ, कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, ऑल्दो काबिल होते हैं, मगर उनके पास वो एवेन्यूज नहीं होते हैं, वसाइल नहीं होते हैं कि वो आगे बढ़ सके। तो हमने इंशाल्लाह ये इरादा किया है कि मेरी जिंदगी का ये सपना है, ये ड्रीम है कि हर किसी घर से बच्चा जो है वो पढ़ लिख के आए और इज्जत का रिज़्क कमाए, यही मेरा बस हमारा ड्रीम है स्काई फैमिली का। कहा कि एक इंस्टीट्यूशन आपने लॉन्च किया है, स्काई क्लासेस ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। मैं कहूंगा कि हमारा जो कॉम्पिटेटर है, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि हम लोकल एम्बिट से बाहर निकल चुके हैं, हमारा कॉम्पिटेटर जो है वो कॉर्पोरेट्स है, जो यहाँ पे डिफरेंट कॉर्पोरेट कोचिंग सेंटर्स आए हैं। सो आपने ये जो कहा कि आप सर जहाँ जाते हो तो पहले आप मार्केट को ग्रैब, हमारा ऑलरेडी मार्केट है, हम चाहते हैं कि स्पेशली जो शहरी खास के बच्चे हैं इनकी एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट हो जाए, इंटेंशन यही है। तो जब इंटेंशन नेक होती है, इंटेंशन पाक होती है, उसमें अल्लाह का भी साथ होता है। शहरी खास को हमने नहीं चुना है, शहरी खास ने हमको चुना है असल में, क्योंकि हम दोनों सदाम सर्दी और मैं भी शहरी खास से ही वाबस्ता हूँ। वी बिलोंग टू द सॉइल ओनली एंड वी रियली वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर आवर सोसाइटी एंड फॉर आवर कम्युनिटी। यू नो, हमारा फीस स्ट्रक्चर आपको पता ही है, हमने कितना स्लैश डाउन करके रखा है ताकि ये अफोर्डेबल बने। हमारे जो यार दोस्त अहबाब है, जो भी हमारे यहाँ पर रहने वाले लोग हैं डाउन टाउन से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए हमने स्लैश डाउन की, ताकि ये जो एक अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक करोड़पति का बेटा भी उसी बेंच पे बैठे जिसपे एक गरीब रहने वाले का बेटा भी बैठ पाए। तो इसमें इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, इंशाल्लाह ताला रहमान जो हम आज बोलेंगे वो कल भी बोलेंगे और एक साल के बाद भी हमारा वही स्लोगन होगा। और दूसरी बात ये है, ये आज तक ही सीमित था, आज तक ही इसका लास्ट डेट था जो हमने स्लैश डाउन किया था, कि मतलब 65% की हमने स्कॉलरशिप दी थी। मैं आपकी वसादत से 3 दिन की एक्सटेंशन और, एज CEO, एज हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मैं 3 दिन और एक्सटेंड करता हूँ, ये 3 दिन और चलेगा ये, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उन पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा। आप आइए, इस स्कीम का भरपूर फायदा उठाइए। 3 दिन तक मैं फिर से अनाउंस करता हूँ ये स्कीम चलेगी। लाजमी मजलूम है, क्योंकि यहाँ की जो फर्टाइल सॉइल है ना, यहाँ पर बच्चे, आपको पता है यहाँ के जो मतलब निकले हैं आज तक पढ़ के इंटेलेक्चुअल्स, वो कौन कौन से हैं, उसमें किन का मैं नाम गिनवाऊँ, मेरी उंगलियाँ थक जाएंगी।
इतने इंटेलेक्चुअल्स निकले हैं, अब क्या है कि वसाइल नहीं, जैसे सदाम सर ने बखूबी आपको बोला बताया कि वसाइल नहीं है लोगों के पास। एक 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 गरीब आदमी बोल मतलब सोचता है कि मैं भी अपने बच्चे को एक अच्छी कोचिंग दे दूं, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है। वो चीज़ मीट आउट करने के लिए हमने एक बाजाबता एक, एक, एक स्कीम के तहत उनको लाया, सभी बच्चे जो भी गरीब गुरबा है वो आए, इस स्कीम का पूरी तरह से भरपूर फ़ायदा उठाए और इंशाल्लाह उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह तआला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नीलमणि श्रीवास्तव है और मैं कोटा से आया हुआ हूँ। मैं पिछले 20 सालों से ITJEE की ट्रेनिंग करा रहा था। मैं एलन में फंक्शनल टीम हेड था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट था फिजिक्स का। जब उन्होंने ITJEE स्टार्ट किया तो मैं वहाँ का पहला मेंबर था। अब मैं आइजिक चलाता हूँ इंस्टीट्यूट, जो कि बच्चों के इसी तरह के काम जो अभी यहाँ पे कर रहे हैं स्काई में, वही हम काम करते हैं। और मैं खुद IIT कानपुर से पास आउट हूँ। मेरी IIT में रैंक 368 थी और मैं सिर्फ एक सर के साथ जो जुड़ने की कोशिश है, वो जो अभी आपको सर ने कहा कि मिशन एक हम मान के चल रहे हैं जिसका नाम है मिशन कश्मीर, हर घर डॉक्टर हर घर इंजीनियर, दिस इज़ हमारा पंच लाइन। इस पंच लाइन को हम जीना स्टार्ट कर चुके हैं, पर इस पूरे कश्मीर का बच्चा बच्चा आप चाहे आप किसी प्रोफेशन से हो, आपके भी अगर जहन में ये ड्रीम बस जाएगा, यही हमारी ताकत है, यही हमारी जीत है कि हर घर डॉक्टर हर घर इंजीनियर। पोटेंशियल डेवलप होता है काम करने से। पोटेंशियल जो ये लोग कहते हैं कि कुछ बच्चे में मान सकता हूँ कि वो बने ही अलग हैं, पर दुनिया में मोस्ट ऑफ द बच्चे एक जैसे हैं। उनकी विल पावर, उनका जुनून उन्हें आगे बढ़ाता है। मैं देखता हूँ कि स्काई और सद्दाम सर और अमित सर ने ये क्या, ये इन लोगों ने टेक्नोलॉजी में भी ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं जो इंडिया लेवल में नहीं है। मतलब मैं कोटा बैठा हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एलएन में भी था, तो जिन्होंने डाउट्स के लिए, बच्चों को समझाने के लिए तरीके जो डेवलप कर रखे हैं बच्चों तक पहुँचने के लिए, वो अनडाउटेडली अनबिलीवेबल अनपैरेलल है। मतलब नेशनल लेवल के बराबर नहीं है, नेशनल लेवल से ऊपर ही है इस वक्त।